से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। जून 8 तारीख को संत मरियम तेरेसा का पर्व मनाते हैं। केरल देश में जन्मे मरियम तेरेसे का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आज के क्लास में हम लोग उनके जीवन के विषय में किस प्रकार वो संत बन गया इसके विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। उनका जन्म केरला के जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पुत्तनचिरा नाम का एक जगह है, वहां पर 22 अप्रैल 1876 में 26 अप्रैल 1876 में हुई है। उनके माता पिताओं को जो 5 बच्चे थे, 5 में तीसरी नंबर में इनका जन्म हुआ। जन्म के 7 दिनों के बाद, जैसे उन दिनों में ये इस प्रकार करते थे, इनका पैरिश में इनका बपतिस्मा हुआ और बपतिस्मा में इनका नाम तेरेसा डाला, जो आविला के संत तेरेसे के नाम लेकर के इनका नाम तेरेसा डाला। यदि इनके जीवन को हम परख करके देखें, इनके पूर्वजों के विषय में कहा जाता है बहुत फेमस कुटुंब के हैं, राजा के द्वारा भी कुछ अधिकार लोगों के परिवार को, पूर्वजों को मिला, क्योंकि लड़ाई वगैरह में इनके पूर्वजों ने मदद किया। इस प्रकार उस समय के लोकल राजा द्वारा बहुमानित लोग थे। और कहा जाता है इनके दादा के समय तक के बड़े अमीर परिवार के थे, लेकिन दादा ने उनके 7 बच्चों को, बेटियों को विवाह करवाने के लिए अपने पूरे धन दौलत को उठाया। बड़े आडंबर रीति में उस जमाने का जो जैसे आडंबर जीवन है, उसी से बढ़कर के आडंबर में उनका विवाह करवाने के लिए कहा जाता है पूरा जमीन जायदाद धन पूरा उन्होंने खर्च किया। इस कारण इनके पापा और अन्य भाई लोग नाराज हुए और वो धीरे धीरे शराबी बने। एक कुटुंब में, एक परिवार में एक व्यक्ति शराबी बन जाए, वो परिवार धीरे धीरे खत्म होना है। इनका भी यही कहानी है। तेरेसा का पिताजी और उनके पिताजी के जो भाई लोग, वे सब शराबी बने। इस प्रकार धीरे धीरे गरीबी में गया। जब तेरेसा का जन्म वर लिया, गरीबी इनके घर में बहुत ज्यादा था। उस गरीबी का पीछे का कारण कहते हैं पिता का नशा, और पिता का दूसरा पत्नी का बेटी है। उन्होंने जो पहला विवाह किया एक मरियम नाम की स्त्री से, उनके एक डिलीवरी के साथ उनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद सेकंड मैरिज किया, उस मैरिज में उनका जो 5 बच्चे हैं, 3 तीसरे के रूप में इनका जन्म 1876 में हुआ था। और उस जो इनके जो मम्मी हैं, इनके 12 साल के उम्र में था, अर्थात 1888 में
उनका भी मृत्यु हो गया। इस कारण इस बेटी को ज्यादा पढ़ाई में समय नहीं मिला और बचपन से इस इनके मम्मी से प्रभु के विषय में बहुत ज्ञान मिला है। कहा जाता है बाइबल की कहानियां बचपन से इनको सिखाते थे। ऐसा भी इनके जीवनी में मेरे को पढ़ने के लिए मिला है। इनके 3 साल की उम्र में मरियम जो तेरेसा का 3 साल की उम्र में जब पास के जो पारिश में शाम को जो त्रिकाल जप का एंजेलुस विंदी के लिए जो घंटी बजाता है वो घंटी सुनकर के माँ से पूछने लगी क्यों घंटी बजा रहा है। तो बोला ऐसा ऐसे है एंजेलुस विंदी बोलने के लिए। तो फिर एंजेलुस विंदी क्या है, क्यों बोलते हैं, क्रूस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, उसका क्या अर्थ है। इस प्रकार 3 साल की उम्र से ये एक एक सवाल करते हुए माँ से पूछते रहते थे और माँ इनको सिखाते रहते थे। कहा जाता है बचपन से इस प्रकार का ईश्वरीय बातों को सुनने और इसके बाद रह करके दिन भर बैठ करके उस पर मनन चिंतन करने का एक आदत इस बेटी में हुआ था। और साथ ही साथ 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने पास के गिरिजा जाकर के एक निर्णय किया प्रभु के लिए मैं उपवास प्रार्थना करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु के लिए मैं जीऊंगी। ये एक प्रकार का एक मन्नत, व्यक्तिगत एक मन्नत इसने लिया। केवल 10 साल का उम्र था और माँ ने भी देखा ये छोटी बेटी है बहुत कठोर कठोर उपवास करने लगे और रात्रि भर जागते रहना, घुटनों में प्रार्थना करना। माँ कई बार उसको मना किया लेकिन किसी को नहीं सुनते थे। प्रभु के भक्ति में ये इतना अधिक पवित्रता का जीवन जीना और इस प्रकार जीवन जी रहे थे। तब 12 साल की उम्र में इनके मम्मी का देहांत भी हो गया और 15 साल की उम्र में, जब केवल 15 साल का उम्र था 1891 में, इनके मन में एक विचार आए कहीं ऐसे जंगल में या पहाड़ों पर चढ़ करके घर से दूर जा करके कहीं प्रभु के लिए प्रायश्चित और पश्चाताप का जीवन जीते हैं, प्रार्थना का जीवन जिएंगे। इस प्रकार बार बार इनके मन में आने लगे। केवल 15 साल की उम्र थी, घर से निकल करके प्रभु के लिए जीना, वो भी कहीं एकांत में जाकर के रहने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने तुरंत उस निर्णय से वापसी किया क्योंकि उन्हें मालूम है एक लड़की है वो इस प्रकार एकांत जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन वह कोशिश किया अपने घर में ही इस प्रकार रात्रि जागरण करना, कठोर उपवास करना, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना। इस प्रकार यह सब ईश्वर की कुछ योजनाएं थे। इस कारण बचपन से शैतान इनके पीछे पड़ा था, ईश्वर ने अनुमति दिया था, इस बच्चे को तैयार कर रहे थे। शैतान के अटैक बचपन से इनके ऊपर आने लगे। ये बात ये अपने पल्ली पुरोहित से बोलते थे और 1902 में फादर जोसेफ विदयतिल, ये वहां के त्रिशूर के बिशप द्वारा नियुक्त एक फादर, उनसे आग्रह किया ये बच्चे के ऊपर ये शैतान का अटैक वगैरह होता है इसलिए एक्सोर्सिज्म इसके ऊपर करें शैतान के आक्रमण से उसको बचने के लिए। और फादर जोसेफ विदयतिल को इनके स्पिरिचुअल फादर के रूप में भी बिशप ने नियुक्त किया। तब से लेकर के उनकी मृत्यु तक फादर जोसेफ विदयतिल ये तेरेसा के साथ
हर चीज में एडवाइस करते हुए रहते थे। उस समय पर वहां का बिशप का नाम था बिशप जॉन मेनानचेरी। उनके द्वारा इस बेटी को कई प्रकार का उपदेश भी मिलते थे, क्योंकि उन्होंने देखा इनका जीवन बहुत पवित्र है और शैतान का अटैक, शैतान को देखता था, शैतान किस प्रकार इनको दिन रात आक्रमण करता था, यह सब इनको पता चला। बिशप और फादर सब इसलिए उसी प्रकार आत्मिक एडवाइस इन्हें देते थे। इनके ऊपर कई बार कई वर्षों तक एक्सोर्सिज्म करके देखा, लेकिन उस शैतान इनका आक्रमण करता रहा। और 1904 में माता मरियम का भी एक दर्शन इस बेटी को मिला। 8 दिसंबर को माता मरियम के आग्रह एवं इनके स्पिरिचुअल फादर जोसेफ विदयतिल के आग्रह पर तेरेसा ने अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव किया। फादर जोसेफ विदयतिल ने पहली बार उनको वो जो मरियम तेरेसा अर्थात उनके नाम के साथ मरियम नाम भी जोड़ दिया, क्योंकि वह बहुत माता मरियम के भक्त थे। तो फादर भी आग्रह किया, मां मरियम की भी आग्रह था, मां मरियम का नाम इनके नाम के साथ जुड़ जाए। तो इस प्रकार 1904 में उनका नाम के साथ मरियम नाम भी जोड़ा, मरियम तेरेसा नाम ले लिया 8 दिसंबर 1904 में। उससे पहले 1903 में वहां के बिशप जॉन मेनानचेरी से आग्रह किया था कि हमें लोगों की सेवा करने के लिए एक सेंडर की जरूरत है। कई अनपढ़ महिलाएं हैं, उस जमाने में महिलाओं को इतना पढ़ाता लिखाता नहीं था, घर में उनके ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा था, कई महिलाएं पाप की जिंदगी जी रहे थे। तो करीब 27 साल की थी मरियम तेरेसा उस समय पर। बिशप से आग्रह किया एक सेंटर खोलने के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे लिए एक सेंटर खोल करके दीजिए। और इस बेटी क्या करते थे, पुत्तनचिरा उस एरिया के परिवारों का विजिट करना, जो दुखित पीड़ित महिलाओं को सांत्वना प्रदान करना, मदद प्रदान करना, और पुत्तनचिरा एरिया के सब लोग इस बेटी के काम से बहुत आकर्षित थे। इसी प्रकार उनका पल्ली पुरोहित, क्योंकि पल्ली के हर कार्य में बढ़ चढ़ करके सेवा कार्य में ये आगे बढ़ करके थे, तो उन कामों को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए 3 और दोस्त लोग इनके साथ जुड़ गया था। उनके साथ मिल करके हम लोग गरीब लोगों को, विशेषकर जो महिलाएं परिवार स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों के लिए एक सेंटर बना करके दे दो, ये आग्रह किया। लेकिन बिशप ने उसको माना नहीं, उल्टा उनसे कहा आप जाकर के फ्रांसिस्कन समाज में ज्वाइन कीजिए, वहां एक सिस्टर बनकर के आप सेवा कीजिए। लेकिन इनके मन में बार बार प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए नहीं, मुझे एक अन्य मिशन करना है, परिवारों को बचाने का मिशन करना है, गरीबों का उद्धार का कार्य करना है, जो महिलाएं जो बर्बाद हो रहा है उनको ऊपर उठाना है, ये इनके अंदर एक प्यास जगने लगी और बार बार उनको प्रेरणा मिलने लगी, इसलिए वो उस समय पर ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आखिरी में इनकी सेवा कार्य पूरे पुत्तनचिरा पल्ली वहां के लोग सब इसको मानते थे और इनकी सेवा भाव देकर के बार बार बिशप भी आग्रह करते थे
बेटी आप कॉन्वेंट ज्वाइन कीजिए, कॉन्वेंट ज्वाइन कीजिए। उसके लिए रेकमेंड भी किया फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट समाज को, FCC को। 1912 में आखिरी में बिशप के आग्रह पर वह 26 नवंबर 1912 को, 26 नवंबर 1912 को FCC कॉन्ग्रीगेशन ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन करने के तुरंत बाद उनके मन में फिर से यही पुकार आया, मेरा जगह ये नहीं है, मेरा काम ये नहीं है। अपने कन्फेसर, अपने स्पिरिचुअल फादर, फादर जोसेफ विदेतिल को भी ये बात बता दिया। तो फादर विदेतिल ने भी रेकमेंड किया, ठीक है आप यहां मत रहिए, बाहर आइए। केवल इतना ही नहीं, जब ये कॉन्वेंट ज्वाइन किया तब उस देश के पुतनचिरा के परिवार के लोग बिशप के पास कंप्लेंट लेकर के पहुंचा, उन्हें क्यों कॉन्वेंट छोड़ा, क्योंकि हमारे बहुत मदद कर रहे थे, हमारे घरों में आ रहे थे, हमें प्रार्थना सिखा रहे थे, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो कार्य कर रहे थे, उनको वापस बुलाइए बोल करके बिशप को लोगों की ओर से भी प्रेशर पड़ने लगे। आखिरी में वह 27 जनवरी 1913 को वो जो कॉन्वेंट से बाहर आते हैं, केवल 2 महीना अर्थात 26 नवंबर से लेकर के 27 जनवरी तक केवल 2 महीना उस कॉन्वेंट में रहे थे स्पिरिचुअल फादर, फादर जोसेफ विदेतिल एवं बिशप स्वामी एवं लोगों के, और उनका भी मन ये था मेरा काम ये नहीं है, तो बाहर निकल करके आते हैं। इसके बाद इनके आग्रह पर वहां पर एक घर बनाए, ये 1913 में पुतनचिरा में बिशप स्वामी जी एक हाउस उनके लिए बना करके दिया। 38 साल की उम्र थी उस समय पर, और 14 मई 1914 में कॉन्ग्रीगेशन ऑफ होली फैमिली नामक संस्था के रूप में मरियम तेरेसा एवं अन्य 3 साथियों के साथ ये कॉन्ग्रीगेशन शुरू किया। बिशप स्वामी 13 मई को इनको सूचना दिया, कल मैं आ रहा हूँ, वो हाउस का आशीष होगा, और इनको भी सिस्टर बनाएगी, वस्त्र दिया, ये सब कर करके ये फर्स्ट सुपीरियर के रूप में उन्हें बनाया। तब से होली फैमिली कॉन्ग्रीगेशन परिवार के उद्धार के लिए, परिवार के जरूरतों के लिए, नासरत के पवित्र परिवार के समान हरेक क्रिस्तीय परिवारों को बनाने के लिए, क्रिस्तीय नहीं हरेक परिवार को बनाने के लिए ये कॉन्ग्रीगेशन कार्य करते हैं। तो 38 साल के उम्र में इन्होंने ये कॉन्ग्रीगेशन शुरू किया। हम कह सकते हैं इन 38 साल के उम्र तक मरियम तेरेसा के जीवन में नाना प्रकार के परीक्षाओं का, संकटों का, अपमान का, दर्द का अवसर रहे। विशेष रूप से शैतान इनके ऊपर बहुत आक्रमण करना, ये सब होता गया। और 1904 में जब माता मरियम ने जो दर्शन दिया था करके मैंने बोला, इनके नाम जब मरियम तेरेसा बनाया, उस समय के बाद इनके शरीर में सिग्माटा होना शुरू किया। सिग्माटा का मतलब है प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के निशान, प्रभु ईसा मसीह के शरीर के घाव हमारे शरीर में आना, इसको सिग्माटा कहते हैं। तो मदर मरियम तेरेसा के शरीर में 1905 से सिग्माटा आना शुरू हुआ।
शुरू शुरू में कुछ वर्षों तक वो इसको छिपा कर रखा, किसी को नहीं दिखाता था। हमें मालूम है आजकल किसी के शरीर में एक हल्का सा सिकमाटा भी होता है, उसका बहुत डिंडोरा पिटता है। जो मरियम तेरेसा, उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उनके शरीर में जब इन पीड़ाएं आने शुरू किया, सिकमाटा होना शुरू किया, वह उसको छिपाया। केवल उनका जो स्पिरिचुअल फादर फादर जोसेफ विदेतल को ही सब कुछ बताते थे, और वह भी आग्रह किया, हमें इसका देखना है क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या है, इसलिए उसको छिपाता रहा। लेकिन कहा जाता है 27 जनवरी 1909 के बाद उनका वो शरीर में वो सिकमाटा और ज्यादा तेज हो गया, घावों से रक्त बहना और इस प्रकार का कई जो कोड़े मारने का दर्द, इनके शरीर में भी पीड़ाएं, ये सब शुरू हुआ और कई लोग इसका विटनेस होने लगे। तब से सब लोग मरियम तेरेसा को एक जीवित संत के रूप में मानते थे। उनके पल्ली के, चाहे पल्ली पुरोहित हो या अन्य लोग हो या पुत्तनचिरा उस एरिया क्षेत्र के लोग, प्रतिदिन ये देखते थे आज मरियम तेरेसा के जीवन में क्या चमत्कार होने वाले हैं। तो उस समय से सब लोग ने जीवित संत मानते थे। और इसके बाद भी शैतान का अटैक कहीं खत्म नहीं हुआ। कई बार इनके जीवन में शैतान का आक्रमण, दिन रात आक्रमण होता था। कहा जाता है ईश्वर की ओर से अनुमति था इनकी विनम्रता, इनके संत बनने का जीवन के लिए वो जरूरी था इसलिए, और इनकी कॉन्ग्रीगेशन के लिए वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए भी इनका ये सुपीरियर का, ये सिस्टर का इस प्रकार तैयारी जो जरूरी था, कॉन्ग्रीगेशन बनने के पूर्व की ये सब है, तो इनकी ये तैयारी जरूरी था। कॉन्ग्रीगेशन 1914 में तो बना, 12 साल के करीब समय के बाद, तब तक तो कई जगहों पर कॉन्वेंट शुरू हुआ, बहुत युवतियां इस कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन कर परिवारों के उद्धार का कार्य करने लगे। परिवारों को बचाना, नशे से बचाना, व्यभिचार से बचाना, पारिवारिक लड़ाई झगड़ाओं से बचाना, इस प्रकार का कार्य, सेवा, प्रार्थना घरों में करवाना, यह सब कार्य करता रहा। इसी प्रकार एक जगह का जो कॉन्वेंट का उद्घाटन था, और कई लोग सिस्टर बन रहे थे, कैंडिडेट थे, ये सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था। उस समय पर बहुत ज्यादा भीड़ था, लोगों का भीड़ बहुत ज्यादा था। उस समय पर भीड़ के कारण वेदी के पास से कुछ टूट करके, ये जब घुटने टेक करके प्रार्थना कर रही थी, उस समय पर कुछ टूट करके इनके पैरों पर गिर गया। एक बहुत बड़ा घाव हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा ऐसा कार्यक्रम चल रहा था, बिशप भी था, उन्होंने उस घाव को उतना सीरियसली नहीं लिया। वह उस दिन का कार्यक्रम को और सिस्टरों को नियुक्ति देना, उनको सिखाना, यह सब कार्य में लगे रहे। लेकिन अगले दिन तक उनका पैर का वो चोट बहुत ज्यादा हो गया, उनका पैर में सूजन बहुत ज्यादा हुआ, चलना बड़े मुश्किल हुआ। कहा जाता है उस समय पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, बैलगाड़ी में इन्हें बिठा करके पास के जो चालकुड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्हें लेकर के गया। वहां पर डॉक्टर्स ने उस पैर का वहां पर कुछ ऑपरेशन वगैरह किया। पास का जो चर्च के कुछ बिल्डिंग थे वहां पर उनको रखा और ट्रीटमेंट जितना हो सके वो ट्रीटमेंट करता रहा। पता चला इनका डायबिटिक्स भी बहुत ज्यादा था, इस कारण उनका घाव नहीं सूख रहे थे, और धीरे धीरे वो ज्यादा बढ़ता गया। और उन दिनों के बात है, हमें याद करने की जरूरत है, उन दिनों में इतना बड़ा ट्रीटमेंट सब नहीं होता है। लास्ट में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया अभी इनको बचाना
मुश्किल है, इसलिए कॉन्वेंट वापस लेकर के जाओ। वापस बैलगाड़ी में इन्हें कॉन्वेंट लेकर के आते हैं। 7 जून 1926 में वह कॉन्वेंट आते हैं, पल्ली पुरोहित आकर के प्रार्थना वगैरह किया और फाइनल सैक्रमेंट्स व्यातिकम सब इन्हें दिया। और 8 जून के दिन सुबह लोगों ने देखा कि थोड़ा अच्छे चंगे हो गए, बातचीत कर रहे थे, उनके सभी सिस्टर लोग जहां कहीं भी है सब सुनकर के इकट्ठे थे। सबों को पास में बुलाए, सबों को बोला हमारा ये कॉन्ग्रीगेशन अभी बच्चा है, इसको आगे बढ़ाना ये प्रभु की इच्छा है, मेरा जाने का समय हुआ, इसलिए आप लोग रोना नहीं। उन्हें आश्वासन दिया, उनको जो जो कार्य करना है वो सब कार्य करने के लिए। साथ ही साथ फादर जोसेफ विदयतिल को उन्होंने कहा, उनसे आग्रह किया कि इस कॉन्ग्रीगेशन का रक्षाधिकारी बनकर के इसको बढ़ने देना, लोगों की सेवा में जुड़े रहना, सिस्टरों को सही मार्गदर्शन देना, ये सब जितना भी उन्होंने जो कार्य करना था बताना था ये सब बताए। लास्ट में उनके कमजोरियां बढ़ने लगे। यीशु मरियम जोसेफ, मेरे आत्मा को मेरे शरीर को मैं आप लोगों के हाथ में सौंपती हूं कह करके रात्रि के समय पर वो अपना जीवन प्रभु के पास देते हैं, आत्मा को प्रभु के पास देते हैं। इस प्रकार इनका मृत्यु 8 जून 1926 में हुआ, इसलिए उनके मृत्यु के दिन को आज पर्व के रूप में कलीसिया मनाते हैं। जीवित रहते वक्त ही वहां पुतंचिरा का हो या कुड़काटू शेरी जहां पर इनकी मृत्यु हुआ था, जितने भी लोग इनके विषय में जानते थे जीवित संत के रूप में इन्हें उन दिनों में मानते थे। जीवन काल में ही लोगों ने अनेकों चमत्कार इनके द्वारा देखा है, इसलिए मृत्यु के बाद इनके संत घोषित करने का कार्य शुरू करने के विषय में कहा जाता है। जो फादर जोसेफ विदयतिल ने कहा, उस समय के नियम के अनुसार मृत्यु के 5 साल के बाद यह कार्रवाई शुरू कर सकता है, इसका मतलब 31 के बाद। लेकिन फादर विदयतिल ने आग्रह किया, उनका जो स्पिरिचुअल फादर था, कन्फेसर था, उन्होंने आग्रह किया जब तक मेरा मृत्यु नहीं होगा तब तक आप लोग इनका संत बनने का जो कार्रवाई है नहीं करना। और इनके विषय में जितने भी दस्तावेज था सब कुछ फादर जोसेफ विदेतिल ने ही इकट्ठा कर कलीसिया को सौंपा। उनके मृत्यु के बाद ये कार्य शुरू किया गया। इस प्रकार 28 जून 1999 में इनके संत का बनने का जो कार्य वेटिकन एक्सेप्ट किया, उन्हें वेनरेबल घोषित किया, कलीसिया ने उन्हें वेनरेबल घोषित किया 28 जून 1999 में। संत पापा जॉन पॉल सेकंड के द्वारा इसके बाद उन्हें धन्य घोषित किया, ब्लेसेड मरियम तेरेसा, 9 अप्रैल 2000 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें धन्य घोषित किया। हमें मालूम है किसी व्यक्ति को अगर धन्य घोषित करना है उससे पूर्व में एक चमत्कार होना जरूरी है। मैंने पढ़ा इनके जो धन्य घोषित करने के लिए जो चमत्कार हुआ है वो किसी मैथ्यू नाम का एक व्यक्ति का था, मैथ्यू डी पल्लीशेरी। उनका जन्म से लेकर उनका दोनों पैर जो एंकल से मुड़ा हुआ है, अर्थात वो पैर के ऊपर चल नहीं सकता, जन्म से ही इस प्रकार मुड़ा हुआ है और बड़े मुश्किल से लाठियां पकड़ करके दूसरों का हाथ पकड़ करके
दोनों पैर मुड़ा हुआ है, इस प्रकार बड़े मुश्किल से वो चलते थे। कई प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट सब कर करके देखा लेकिन कुछ भी नहीं होता था। लास्ट में इनके परिवार ने मरियम थेरेसे का मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करना शुरू किया और 1970 में उस समय पर मैथ्यू का उम्र 14 साल का था, उन्होंने 33 दिन का उपवास प्रार्थना, उनका पूरा परिवार इस बेटे का चंगाई के लिए मरियम थेरेसे का मध्यस्थ मांगते हुए 33 दिन का फास्टिंग प्रार्थना कर किया। 33वां दिन अर्थात 21 अगस्त 1970 में रात्रि जब वह सो रहा था, उनका दाहिना पैर अपने आप सीधा हो गया, दाहिना पैर, लेकिन बायां पैर फिर से ऐसे ही था। एक चमत्कार, डॉक्टर सब देखा, उन्होंने घोषित किया चमत्कार है। इसके बाद फिर से ये परिवार प्रार्थना में जुटे। एक पैर ठीक तो हुआ लेकिन दूसरा पैर के कारण फिर से वो अच्छी तरह चल नहीं सकता। फिर से उन लोगों ने अगला साल इसी प्रकार फास्टिंग प्रार्थना शुरू किया। जब 39वां दिन जब फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, उस दिन अगेन अगस्त महीना था, 28 अगस्त 1971 में रात्रि के उसी प्रकार सोते वक्त इनका बायां पैर भी सीधा हो गया। दाहिना बायां दोनों पैर ठीक होकर के एक साधारण व्यक्ति के समान ये चल फिरने लगे। मेडिकल साइंस ने इसको चमत्कार घोषित किया। पूरे मेडिकल साइंस इनके ऊपर टेस्ट किया और उसको एक चमत्कार के रूप में स्वीकार किया और इस मैथ्यू पी पल्लिशेरी का इस चमत्कार को वैटिकन ने भी स्टडी कर चमत्कार स्वीकार के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इनको 9 अप्रैल 2000 को धन्य घोषित किया संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा। इसके बाद संत घोषित करने के लिए, कैनोनाइजेशन के लिए एक और चमत्कार होना जरूरी है। मैंने पढ़ा एक छोटा बच्चा है क्रिस्टोफर, उसके जीवन में इसी प्रकार का एक चमत्कारी चंगाई हुआ। मेडिकल साइंस ने उसको मिरेकल घोषित किया और वैटिकन ने उसको स्वीकार किया। इस कारण 13 अक्टूबर 2019 को संत पापा फ्रांसिस ने मरियम थेरेसे को संत घोषित किया। 13 अक्टूबर 2019 को संत फ्रांसिस ने घोषित किया धन्य मरियम थेरेसे को संत रूप में घोषित किया। एक और चीज मैंने पढ़ा है, जिस रात्रि में इनकी मृत्यु हुआ 8 जून 1926 में, उस रात्रि में उनके वहां के बगीचे में जितने भी जास्मिन पौधे थे सब में फूल आ गया। कहा जाता है उस समय पर जास्मिन फूल का समय भी नहीं था, जून माह का उस समय, वहां का बगीचा के जितने भी जास्मिन पौधा है उनमें सब भरा हुआ जास्मिन फूल खिल गया और उसका खुशबू उस क्षेत्र में पूरा फैल गया। और उन्हीं फूलों को तोड़कर इनके सिर पर एक कोरोनेशन जो करता है डेड बॉडी में जो क्राउन जो धारण कराता है माला जैसे बना करके वो किया, साथ ही साथ उनके पेटी के चारों तरफ सब जो डेकोरेशन है उसके लिए सब वही
हाँ, जो फ्लावर्स, जास्मिन फ्लावर जो खिला था उसको इस्तेमाल किया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। 1846 में एक छोटा सा गांव त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट का इरिनालकुडे के पास में पुत्तनचेरी में जन्म लेने वाला ये बेटी, इनके पापा का नाम है तोमा और मम्मी का नाम तंडा था, और इनके जीवन अनेकों के लिए उदाहरण, उनकी विनम्रता का, सेवा भाव का, प्रभु के प्रति भक्ति, प्रभु के प्रति जो इनका जो प्यार, प्रभु के लिए सब कुछ समर्पण करना, और इनकी विनम्रता के द्वारा जो शैतान के आक्रमण पर ये पराजित नहीं हुआ, विजय प्राप्त रहे, और इनके शरीर में जो सिग्माटा होना, घावे, ईसा मसीह के शरीर का जो कष्ट पीड़ा का, यातना का अनुभव इनके शरीर में मिलना, यह सब लोगों ने देखा। और आज भी उनके कब्र में हजारों लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संत मरियम तेरेसे के मध्यस्थ द्वारा, ईश्वर उनके द्वारा अनेकों अनेक अनुग्रह कृपा आशीष लोगों को पर बसाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और संत मरियम थेरेसा से विनती करें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे परिवार में प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना हो सके, परिवार में प्रेम शांति होवे, नशे से हमारे परिवारों को बचाएं, वासना से हमारे बच्चों को, सबों को बचाएं। शैतान इस प्रकार नशे के द्वारा, वासना के पाप के द्वारा, परिवार के लड़ाई झगड़ा के द्वारा परिवारों को तोड़ रहा है, हमारे घर को बचाएं। संत मरियम तेरेसा परिवारों के लिए एक मध्यस्थता है, हमारे परिवार के जरूरतों के लिए, रोगियों की चंगाई के लिए, बुराई से बाहर निकलने के लिए, प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास भरोसा करते हुए जीवन जीने के लिए वह हमारा सहायता करेगी। संत मरियम तेरेसे से विनती करें कि हमारे लिए निरंतर स्वर्ग में प्रार्थना करें, स्वर्गीय आशीष उनके द्वारा प्रभु हमें भी प्रदान करें। हरेक परिवार में प्रार्थना का माहौल हो, प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो। मरियम तेरेसा का यही प्रयत्न था, हर घर में प्रार्थना, होली हवर, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, उस घर को प्रभु आशीष कृपाएं बरसाता है। निर्णय कीजिए, संत मरियम तेरेसे का मध्यस्थ मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।